नमस्ते, मैं हूँ झूमू पॉली। पॉली ग्रिल में आप सबका स्वागत है। भारतीय संस्कृति में प्रादेशिक त्यौहार विशेष महत्वपूर्ण। नॉर्थ इंडियन कल्चर में छठ पूजा ऐसी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस मौके पर मैं एक विशेष रेसिपी दिखाऊंगी जो अवश्य बनाई जाती है, ठेकुआ या खजूर। ये छठ पूजा का मुख्य प्रसाद। परंपरा अनुसार ये गुड़ और आटे से बनते हैं, जो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। आज मैं दिखाऊंगी शक्कर की ठेकुआ कैसे बनाई जाती है। आइए शुरू करते हैं। ठेकुआ या खजूर बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम मैदा लिया है। मैदा के साथ मिलाऊंगी 200 ग्राम शक्कर, 100 ग्राम किसा हुआ नारियल, 50 ग्राम मेवा या ड्राई फ्रूट्स। सब चीज एक साथ अच्छे से मिला लीजिए। इसमें नमक या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं होता। बस अब थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर एक ठोस लोई बनाना पड़ेगा। बस मेरा लोई बन चुकी है। अब इसमें से छोटे छोटे ठेकुए के शेप बना लूंगी। पहले ऐसे छोटे छोटे बल बनाऊंगी। उसके बाद हाथों के तले उंगली से दबाकर ऐसे ठेकुआ बनाना बहुत आसान है। आजकल ठेकुआ बनाने के लिए बाजार में मोल्ड भी मिलते हैं, अब उससे भी बना सकते। पहला वोट की ठेकुआ तैयार। अब इसे तलना है। कढ़ाई में डीप फ्राई करने के लिए मैंने तेल डाल दिया। जी ये बिल्कुल सही गर्म हो चुका है। अब इसमें ठेकुआ डालेंगे। आप इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं। एकदम सिमर में क्रिस्पी ब्राउन कलर न होने तक फ्राई करते रहिए। बस ठेकुआ परफेक्टली डन। अब इसे निकाल लूंगी। अब और एक तरीका दिखाऊंगी। ट्रेडिशनली ये तरीके से ठेकुआ नहीं बनते, लेकिन आप चाहे तो बना सकते। थोड़ा सा व्हाइट तिल लीजिए। अब ठेकुआ के साथ इसी तरह चिपका दीजिए। फिर तेल में डाल दीजिए। इससे ठेकुआ और स्वादिष्ट बनती है। बस नाइसली डन। तेल से निकाल लीजिए। ये रहा मेरी छठ पूजा वाली शक्कर की ठेकुआ। छठ पूजा करे या ना करे, छठ मैया के प्रसाद बनाने में कोई हर्जाई नहीं। उनकी कृपा से आपके जीवन सुखी हो। देखते रहिए, फिर मिलेंगे।